दोस्तों हम सबको पता है कि रावण से लड़ने के बाद गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में धरती पर गिर पड़े थे और श्री राम जी से मिलने के पश्चात वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार एक हिमालयन गिद्ध घायल अवस्था में हरियाणा के रहने वाले जसपाल सिंह को मिले और उन्होंने उसका इलाज किया और बाद में वो दोनों दोस्त बन गए। अब चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से आरिफ और उसके दोस्त सारस को वन विभाग ने अलग कर दिया, उसी प्रकार जसपाल और गिद्ध के जो दोस्ती है उस पर वन विभाग की कहीं नज़र ना लग जाए। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर दोस्ती यारी यानी कि रिश्तों में स्वार्थ ना हो तो वह रिश्ता बहुत दिल से निभाया जाता है और काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। इसीलिए इंसानों की दोस्ती इंसानों से ज़्यादा ना मजबूत होकर जानवरों और पक्षियों के साथ ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो रिश्तों के रॉक स्टार में आप इतना समझने की कोशिश कीजिए कि रिश्तों में अगर स्वार्थ कम हो या ना हो तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।